नमस्कार दोस्तों, बासुगुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने लेसन बना रहा हूं और आपको हर स्टेप्स पे जो है आपको बासुरी बजाने की विधा की जो टेक्निक बता रहा हूं और आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि दिन प्रतिदिन मेरे स्टूडेंट्स में इजाफा हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे मुझे खुशी यह है कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद मेरे पास करीब 135 लोग जो हैं सीनियर सिटीजन, जो 60 प्लस इनकी एज है, वो मेरे पास आए और जो रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अपने को अकेला महसूस कर रहे थे और काफ़ी जो ये सोच रहे थे कि यार हमें मेरा टाइम कैसे पास होगा या आगे का जीवन कैसे कटेगा, तो मुझे खुशी इस बात की वो लोग मेरे साथ जुड़े और उनको मैंने बांसुरी बजाने का जो है जो गुण है वो सिखाया और मेरे काफ़ी लोग जुड़ गए, करीब 135 लोग मुझसे जुड़े हैं। और आज के डेट में उनके पास एक राह मिल गई है कि हमें बांसुरी बजाना जो एक अपनी दिनचर्या में ही शामिल करना है, तो इसे वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं और प्लस जो है अपना मॉर्निंग वॉक जो करते हैं सुबह के टाइम, पार्क में जाकर फ्रूट बजा रहे हैं, ऐसे काफ़ी मतलब काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ही कहूँगा, वैसे तो वो मुझसे एज में बड़े हैं लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो बांसुरी बजाने का जो अलग है वो मैंने हर एज ग्रुप में जो है मतलब उसको जो है मैंने जागृत किया है, लोगों को इंस्पायर किया है कि आप जो है फ्लूट बजाइए और फ्लूट आप बजा सकते हैं। और मेरा जो प्रयोजन यूट्यूब चैनल बनाने का था वो सफल हो रहा है। कोई भी कार्य जो है अकेले संभव नहीं होता है, मुझे जो भी स्टूडेंट्स मुझसे उम्र में छोटे हैं मैं उनका प्यार चाहता हूँ और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और हम सभी पर जो है ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए कि हम अपने मिशन में कामयाब हों। और देखिए, जो आदमी कोशिश करता है तो कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है, तो जो आदमी कोशिश करता है उसको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो वो कभी अपने जीवन में हारता नहीं है, उसको सफलता की सीढ़ी पे ही वो चढ़ता जाता है और उसकी जो मंजिल है वो एक ना दिन उसको जरूर मिल जाती है। तो गुरु का ये कार्य है कि आपको आपका जो है सही मार्गदर्शन करें, आपके साथ कोशिश करें, आपके साथ मेहनत करें। मैं अपना भी कीमती समय निकाल के आपको आपसे कॉन्टेक्ट जो आपके फोन आते हैं उसको रिसीव करता हूँ, आपके मैसेजेस को देखता हूँ, आप जो वीडियोस प्रैक्टिस वीडियोस भेजते हैं उसको देख के मैं आपको करेक्ट कराता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ कोशिश करिए। बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आपको अच्छा भी इसका मतलब ये मेरा जो लेसन्स है वो अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में सिखाता हूँ और निष्पक्ष सिखाता हूँ, मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं क्योंकि मैं तो निःशुल्क सिखा रहा हूँ, इस चीज़ का पैसा नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी बांसुरी प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद आप अच्छे सुर जो आपके लगेंगे तो आप अच्छे सीखने में आपकी मदद होगा। तो ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, आपको जो भी बांसुरी अच्छी है जिस भी मेकर की है, हर मेकर फ्लूट अपनी अच्छी बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अच्छी फ्लूट अगर लेना चाहेंगे तो मैं आपको दिलाने की कोशिश करूँगा और मैंने इसके बारे में जो है पहले भी अपने लेसन में बोले हैं उसको भी आप एक बार ध्यान से देख लें तो आपको जो है एक वास्तविकता जो आपके सामने आ जाएगी। और मेरा मेन उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी जो है इस फील्ड में जो है बिगनर्स के लिए होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बांसुरी के मेंटेनेंस रख रखाव के बारे में दूसरा लेसन जो पार्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने स्टिक से तो इसमें ऑयलिंग कर ली फ्रूट में, मतलब जैसे मैंने बताया था कि स्टिक के माध्यम से हमने फ्रूट में ऑयलिंग कर ली, ठीक है, और इसको ऑलिंग करने के बाद हमें इसे कम से कम एक दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, 24 आवर्स के लिए हम इसको छोड़ दें और छोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट डे इसको कॉटन कपड़े से पोंछ के फिर इसको बजाएं। तो इससे क्या होगा कि इसकी जितनी वेन्स हैं और जितना इसमें मजबूती भी आएगी और प्लस जो है आपके शुरू में इसमें इजाफा होगा। तो इस तरह से आप इसका मेंटेनेंस आप पीरियडिकली करें, मतलब पीरियडिकली मीन्स आप एक महीने में एक डेट फिक्स कर लें या कोई संडे का दिन ले लें या कोई डेट ले लें, उसके हिसाब से इसका करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए फ्रूट कवर, ये फ्रूट कवर है, देखिए ये फ्रूट कवर जो है मैंने स्पेशली प्योर एक्सेंस का मैंने ये डिज़ाइन किया है और मैंने इसको बनवाया। प्रयोजन ये था कि मैं एक अच्छी चीज़ अच्छा प्रेजेंटेशन जो है अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं और जो बैग सिलते हैं, जो बैग सिलने का रोजगार करते हैं उनको भी एक मैं काम दे सकूं। क्योंकि देखिए आज के समय में अगर हम किसी को रोजगार दे रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है, तो मैंने इस टाइप से जो है क-
कई लोगों को जो है फ्रूट कवर बनाने का मैंने काम दिया और वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे कारीगर हैं और उनकी स्किल को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उनके माध्यम से मैंने ये फ्रूट कवर बनवाया और कई लोगों को मैंने इसका जो है रोजगार दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी लोग जो है मेरे से जो मतलब बैग बनाने वाले वो भी मुझसे लिंक हुए और उन्होंने इसको मुझे बनाया और मैं काफ़ी मात्रा में उसे बनाकर मैंने स्टॉक भी रखा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे संपर्क भी कर सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रूट कवर में क्या है कि ऊपर से यूरेक्सिन है, बहुत अच्छा मटेरियल है, इसके अंदर एक हमने हार्ड पाइप डाल रखा है, एक अच्छे कंपनी का हार्ड पाइप रखा है जिससे कहीं भी ये प्रेस होने पर आपके फ्रूट को नुकसान ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी फ्रूट अगर बाहर रहती है तो क्लाइमेटिकल चेंज से भी उसमें जो फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं मान लीजिए बारिश हो रही है तो मॉइस्चर लगेगा, या अगर बहुत गर्मी है तो उसमें हीट की वजह से आपकी फ्रूट जो है क्रैक हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि फ्रूट कवर्स जो है उसके अंदर जो है आप अगर फ्रूट रखेंगे इस टाइप से, जैसे आपकी फ्रूट है आपने बजाने के बाद इसको आप जो है फ्रूट कवर के अंदर रख दीजिए और इसको चेन लगा दीजिए, और इससे क्या होगा कि एक आपका जो है देखने भी अच्छा लगता है, सपोज आपको कहीं जाना है बाहर जाना है कहीं, तो आप इसको पीठ पे भी हैंग करके से इसको लेके जा सकते हैं और ये मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे आपको क्लाइमेटिकल चेंज से भी फ्रूट बचेगी प्लस टूटने से बचेगी प्लस इसके मतलब एक लुक वाइज भी इसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। तो फ्रूट कवर कई साइज़ के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा बांसुरियाँ हैं तो आप फ्रूट केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है एक फ्रूट केस दिखाता हूँ, एक हार्ड फ्रूट केस है, जैसे जो प्रोफेशनल फ्रूट प्लेयर्स हैं दूसरे का जाते हैं अपने कार्यक्रम में तो उस टाइप के फ्रूट केस लेके जाते हैं, और वो किस टाइप का होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस टाइप का एक फ्लाइट केस है, फ्लाइट केस है इसको मतलब फ्लाइट केस नहीं बोलते, इसमें सब चीज़ मतलब आराम से आ जाएगा और ये मेटेरियल जो है बहुत अच्छा होता है। ये मैंने बॉम्बे की एक कंपनी है उससे मैंने टाइप किया था कि मतलब मैं कि मुझे एक अच्छा फ्रूट केस चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये बना के दिया। मैंने उनसे करीब 30-35 ये फ्रूट केसेस बनाए जो मैंने फॉरेन में भेजे हैं या यहाँ पे लोकल भी लोगों को प्रोवाइड किया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो है इस फ्रूट केस में यहाँ पर जो है लॉकिंग सिस्टम है, मतलब इस टाइप से आप लॉक कर सकते हैं और इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इसमें इस साइड भी पूरी फ्रूट्स लगा सकते हैं और नीचे के साइड में भी आप पूरी फ्रूट्स लगा मतलब रख सकते हैं, और इसके ऊपर अगर आप बबल पेपर लगा दें और इस टाइप से फ्रूट को इसमें फ्रूट आपके सुरक्षित रहेंगे, और इसमें करीब जो है 24 फ्रूट्स आपके आराम से पूरा सेट जो है सेट के फ्रूट इसमें आ सकते हैं आराम से। तो आप इस टाइप का भी केस ले सकते हैं। देखिए मैंने एक फ्रूट कवर ये भी डिज़ाइन किया था कि जैसे ही आपके कई फ्रूट्स हैं तो इसमें जो है कई फ्रूट्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कई फ्रूट्स जो हैं, करीब 6-7 फ्रूट्स जो हैं आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं, ग्रिल फ्रूट जो हैं सब इसके अंदर आराम से आ जाते हैं। इसके अलावा इससे अगर बड़ा चाहिए तो ये मैंने एक फ्रूट केस इसका बनाया था, फ्रूट कवर है, और इसमें सबसे खास बात क्या है कि मतलब इसमें ATM ने वेलक्रो लगाया है, आप इससे अगर चाहें तो इससे जो है दूसरे को भी इसमें अटैच कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से ये दोनों अटैच हो जाएंगे और उसको आप बेल्ट से टाइट करके मतलब इतना पूरा सेट जो है। इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है, उसमें आपके जो है बड़ी फ्रूट्स आपकी ई बेस, ए बेस, सी बेस वो सब फ्रूट भी आ जाएंगी, छोटे फ्रूट भी आएंगे, ये फ्रूट आ जाएंगे। तो इस टाइप की कवर हमने डिज़ाइन किए, काफ़ी कवर डिज़ाइन किए, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं चाहता हूँ कि जो बैग बनाने वाले हैं जो हमारे कारीगर हैं उनको कुछ रोज़गार मिल जाए, उनको रोज़गार मिल जाएगा तो अच्छी बात है, और मैं आपको जो है अच्छे से अच्छे चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और उनको भी एक अच्छा रोजी रोटी का जो उनका साधन है बैग बनाने, उनके पास काम तो इस समय लॉकडाउन के बाद वैसे भी कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि उनको रोज़गार मिल जाएगा और वो अच्छा मतलब काम कर सकते हैं और उनका स्किल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रूट कवर्स बैग और ये फ्रूट केस किस तरह मिले। तो दोस्तों चलते चलते अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो फ्रूट मेंटेनेंस का, या आप कोई सुझाव मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की जरूर कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर ना अच्छा लगे तो मेरे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि मेरे चैनल में यह बताने की इसमें क्या कमी है, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते चलते मैं आपको धुन सुनाता हूँ।